स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। मल्टी टैलेंटेड एक्टर दीपेश भान को गुजरे हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके चाहने वालों की आंखें नम नजर आती हैं। भाभी जी घर पर रहे में मलखान सिंह की भूमिका निभाकर दीपेश लोगों के दिलों में बस चुके थे। शो की पूरी कास्ट दीपेश के निधन से सदमे में है। सिसक सिसक कर रो पड़ी शुभांगी यात्रा। आपको बता दें कि शो के कलाकार और टीम दिवंगत दीपेश की याद में सोमवार को प्रार्थना सभा में शामिल हुए। कई कलाकार इस दौरान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। प्रार्थना सभा में दीपेश की एक तस्वीर रखी गई थी, जिस पर माला चढ़ाई हुई थी और उसके आगे फूलों की पंखुड़ियां रखी गई थी। उनकी तस्वीर पर माला देख शो में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शुभांगी यात्री रो पड़ी। इसका वीडियो विरल भयानी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची शुभांगी अत्रे की आंखों में आंसू झलक आए। शो में उनके ऑन स्क्रीन पति मनमोहन तिवारी और किरदार निभाने वाले रोहिताश गोर भी इमोशनल होते हुए नजर आए। अभिनेता कीकू शारदा भी सोमवार को मुंबई में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। शुभांगी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी दीपेश भान की तस्वीर को शेयर किया था। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए ओम शांति लिखा। सलीम जैदी ने दीपेश को किया याद। भाभी जी घर पर है सीरियल में दीपेश भान ने कई स्टार्स संग स्क्रीन शेयर की है। हर कोई उनके साथ अपनी खूबसूरत यादें साझा कर रहा है। वहीं शो में टिल्लू का किरदार निभाने वाले सलीम जैदी ने दीपेश संग अपना एक खास डांसिंग वीडियो शेयर करके एक्टर को याद किया है। वहीं शो में टिल्लू का किरदार निभाने वाले सलीम जैदी ने दीपेश संग अपना एक खास डांसिंग वीडियो शेयर करके एक्टर को याद किया है। वीडियो में दीपेश भान मस्ती में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। सलीम जैदी भी डांस में दीपेश का साथ देते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे संग दोनों की दोस्ती और बॉन्ड देखने के लायक है। सलीम जैदी ने दीपेश भान को डांसिंग वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे सिंगर और एक्टर तो थे ही लाजवाब। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसके साथ सलीम जैदी ने रोने वाली इमोजी भी बनाई है। सलीम के कैप्शन से ही साफ जाहिर है कि दीपेश भान के निधन से उन्हें कितना दुख पहुंचा है। इससे पहले भी सलीम जैदी ने दीपेश भान संग एक वीडियो शेयर करके उन्हें याद किया था। अभिनेता ने निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने भाभी जी घर पर है कि पूरी टीम पहुंची थी। नेहा पेंडसे से लेकर आमिर अली तक कई सारे सितारे दीपेश भान को अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। दीपेश भान की मौत के बाद वाकई उनके चाहने वालों का दिल टूट गया है। इतनी कम उम्र में दीपेश भान के यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कह देने से लोग अभी भी शॉक में हैं। दीपेश अपने पीछे अपनी पत्नी और नन्हे से बेटे को छोड़ कर गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को हिम्मत और हौसला मिले। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट